वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ फिर से एक और रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, उसी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरी कोट की वीडियो। ये देखिए, मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। मैंने इसे बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। ये इसका इतना बड़ा बॉक्स था जो आया था। इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है। ये 12-in-1 है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या फंक्शन है 12-in-1, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे वो सब दिखाया गया है पिक्चर में, आपको मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आएगा आपको। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये कितने का मिला और कहाँ से मिला। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाती रहूं। तो मैंने इसे बॉक्स से निकाला है। तो ये है हमारा कैरी कोट, कुछ इस तरीके का निकलेगा ये बॉक्स में से। ये देखिए, इसका कलर जो है बड़ा ही अच्छा है। मैंने इस कलर का मंगाया है। आप कोई और कलर भी मंगा सकते हो, आपको और भी कलर मिल जाएंगे इजीली। और मैं आपको बता दूं, जो इसका हैंडल है, इसको आप मूव कर सकते हो इजीली। यहां से देखिए, ये इस तरीके से दोनों साइड से खुल जाएगा और ये मूव हो जाएगा। और यहीं से आप इसे टाइट कर सकते हो, और यहां से। और जो इसका ये, मैं और दूसरा बताऊं, जो इसकी ये सीट है, ये काफी सॉफ्ट है बेबी के लिए। मैंने अपने बेबी के लिए मंगाया है और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये जो बेबी की सीट है, काफी सॉफ्ट है। ये जो कुशन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बेबी के लिए एकदम कंफर्टेबल है। आप इसको वॉश भी कर सकते हो, अगर आपका ये गंदा हो जाता है या बेबी कुछ गिरा देता है इस पे, या जैसे भी आप गंदा हो जाता है ये, तो आप इसको यहाँ से निकाल कर इजिली यहाँ से निकल जाएगी और ये अकेला वॉश भी हो जाएगा। इसके बाद जो ये बचता है, इसको आप बाथटब की तरह एज ए यूज कर सकते हो, जैसा इसमें दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा बाथिंग वाला जो है, आप इसे एज अ बाथटब भी यूज कर सकते हो बेबी के लिए। फीडर इसमें दिखाया हुआ है। तो फीडर दोस्तों, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, जिनको मदर फॉर्मूला देती हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि जो इसकी पोजीशन है, ये मैं आपको दिखाऊं, इसकी कुछ इस तरीके की पोजीशन है। तो बच्चे का हेड ऊपर रहता है, वो आराम से फीड कर पाता है। तो जो उसका दूध है वो आराम से इजिली नीचे उतर जाता है, तो वो वॉमिटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है बच्चे को। दूसरा इसमें दिखाया है आपको कैरी करने का। तो आप इसे आराम से अपने बच्चे को इसमें लिटा कर सीट बेल्ट से इस तरीके से बंद करके कैरी कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है, बच्चा भी अपना आराम से जगता रहता है, देखता रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेट है, एकदम ज़्यादा वेट नहीं है। आप इसे इजीली उठा सकते हो, बच्चे के बाद भी बहुत अच्छे से उठा सकते हो। तीसरा ऐसा दिखाया है आप बेबी सीट, ऐसे बेबी सीट यूज कर सकते हो। जैसा मैंने भी आपको हैंडल मूव करके दिखाया वीडियो के शुरू में, उसी तरीके से आप हैंडल को थोड़ा सा यहाँ से स्क्रू से ढीला करके पीछे की तरफ कर सकते हो, ये बेबी सीट भी बन जाएगा। ऐसा आप कार सीट भी यूज कर सकते हो। कार की सीट में इसको अटैच करके आपकी सीट बेल्ट, जिस तरीके से उन्होंने लगा के दिखाई है, कार की सीट बेल्ट आप लगा के अपने बच्चों को कहीं भी ले जा सकते हो। वो आपको तब करना है जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो और बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर आपके साथ कोई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बच्चे को आराम से पकड़ सकता है। फिर इसमें दूसरा दिखाया गया है आपको रॉकिंग। तो आप रॉकिंग मतलब ये है कि आप इसे ऐसे लेके ऐसे 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 बच्चा जो झूलता रहेगा उसको, और जब आप बच्चों के से इसमें लिटा दोगे तो वो अपने आप ऐसे भी होता रहेगा। साथ ही साथ बाथिंग वाला मैंने आपको दिखाई दिया है। दूसरा है इसमें झूले वाला जो आपको दिखाया है। तो इसके साथ आए हैं कुछ रोप्स, ये आपको मिलेंगी। इसके साथ दो रोप मिलेंगी। ये जो एंगल है इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है हेड की साइड पे। ये इधर हेड है बच्चे का, यहाँ पे आपको इस तरीके से डालना है, और यहाँ पे भी है ये। तो यहाँ से दोनों रोप कनेक्ट हो जाएंगे, चारों तरफ आपको ये दिया हुआ है। फिर इसमें दिखाया गया मॉस्किटो नेट दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमको ये मॉस्किटो नेट भी दिया गया है, जो आप बच्चा जब आपका सो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे लगा के इसे और ये आपका मॉस्किटो नेट लग गया है। और दूसरा वाला जो है, जब बच्चा सो जाता है तो उसके बाद इसे आप इस तरीके से कवर कर दो। और ये जो रबर बैंड है, ये इसके अंदर यहाँ पे दोनों साइड से आप इस तरीके से लगा दो, तो आपका बच्चा पूरे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर आता है आपका कैरी इन पाम। तो आप इसे आप अपने जो स्टॉलर होता है उसके अंदर भी सेट कर सकते हो, वो भी इजीली सेट हो जाएगा। तो आपका बच्चा आप उसमें भी लेके इसको चल सकते हो।
फिर आता है बाउंसिंग। तो बाउंसिंग में आपका आता है ये एक रॉड दी गई है, इस रॉड को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जो रॉड है आपको इस तरीके से इसमें कनेक्ट करनी है, सिर्फ इसके अंदर से डालना है दोनों साइड से। और ये आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसमें खास बात ये है दोस्तों कि इसका एक तो आपको मिलता है टेडी, जिससे बच्चे का फोकस बना रहता है जब वो बैठा हुआ होता है, तो इस तरीके से आप बच्चे को बिठा दोगे, सीट बेल्ट लगा दोगे, आराम से वो इसमें खेलता रहेगा। फिर इसके अंदर आता है जो सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर है ये, यहाँ पे आप अपना स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, इसमें आप बच्चे के डाइपर है, आप टिश्यूज है, और जो वो टिश्यू हो गए हैं, आपकी क्रीम हो गई है, जो भी आप बच्चे की चीजें कैरी करना चाहते हो वो इसके अंदर कैरी कर सकते हो आराम से, यहाँ पे रखी रहेंगी। फोन वगैरह जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं आप वो सब इसमें रख सकते हो। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो मैंने खरीदा है, मैंने इसको आपके साथ शेयर करा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको म्यूजिक भी दिया गया है, आप म्यूजिक बजा दो, बच्चा आराम से सो जाएगा, खेलता रहेगा, जो भी होगा वो करता रहेगा। और है इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है, कुशन्स काफी अच्छे दिए गए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे काफी पसंद आया है, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने इसे, मैं आपको रेट दिखा दूं, यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो है 2800 का, मुझे ये 1700 का पड़ा था, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इजीली इसे खरीद सकते हो। अगर आप अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहते हो तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप खरीद सकते हो। वैसे तो कंपनी 0 से 12 मंथ्स तक क्लेम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हमारा बेबी है वो 6 से 7 महीने तक आराम से रह सकता है, उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चा उठने लगता है, तो वो उठने की ज्यादा इच्छुक होता है, इसीलिए आप इसे कम से कम 6 से 7 महीने तक इजीली आराम से यूज कर सकते हो। तो 6 से 7 महीने के लिए बच्चे के लिए काफी सही है, इसलिए आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो आराम से, ज्यादा हैवी नहीं है, अच्छा है, अच्छा स्टफ है। और मैंने इसमें आपको प्राइस भी बताया है, आप प्राइस भी देख लीजिए, और आप इसे कहाँ से बाय कर सकते हैं आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।